हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं, मिल्क रेनबो। यस, वी आर गोइंग टू प्ले विद कलर्स टुडे। मिल्क रेनबो बनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे। इसके लिए हमें सामान क्या क्या चाहिए ज़रा नोट कर लीजिए। सबसे पहले चाहिए हमें थोड़ा सा मिल्क चाहिए, दूध, और साथ में चाहिए फूड कलर्स। फूड कलर्स किचन में अवेलेबल होते हैं, लिक्विड फूड कलर्स चाहिए, सबसे ज़रूरी बात, लिक्विड फूड कलर्स। और इसके अलावा हमें चाहिए डिश वॉश, और साथ में चाहिए कॉटन। बस ये चार चीज़ें चाहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने एक प्लेट में दूध ले रखा है। इसके अलावा हमारे पास फूड कलर्स हैं, तीन तरह के फूड कलर्स लिए हैं हमने, रेड, ग्रीन और ऑरेंज, तीन तरह के कलर्स हैं। और इसके साथ हमारे पास डिश वॉश है, विम डिश वॉश हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारे पास कॉटन है, ये देखिए कॉटन हाथ में है, और साथ में ईयरबड्स भी रखे हैं हमने, ये भी इस एक्टिविटी में यूज़ करेंगे। और पीछे एक बाउल में हमने डिश वॉश को ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए एक्टिविटी की शुरुआत करते हैं। जो तीन कलर्स हमारे पास हैं, कुछ ड्रॉप्स कलर की वन बाय वन हम दूध में डालने लगे हैं। बड़े ध्यान से देखिए किस तरह से, बिल्कुल मिडल में डालना है प्लेट के, दो या तीन ड्रॉप हर कलर की इसके अंदर हमने यूज़ करनी है, एक दो और एक और तीन ड्रॉप। ये हमने रेड कलर इसमें डाल लिया है। इसके बाद नेक्स्ट कलर की टर्न है, ये नेक्स्ट कलर हम इसमें अब यूज़ कर रहे हैं, दो या तीन ड्रॉप सेंटर में ही हमने इसके ऊपर डालनी है। इसके बाद नेक्स्ट कलर, तीन कलर इसमें हम मिक्स करने वाले हैं। ये तीन कलर हमने दूध के अंदर डाल दिए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कॉटन लेनी है, और कॉटन को जो डिश वॉश है हमारे पास, इसमें पूरी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छे से इसको कॉटन को डिश वॉश के अंदर डाल लेना है। और इसे हमने बिल्कुल कलर जहाँ पर है सेंटर में रखना, और देखिए कितने अच्छे कलर्स बनेंगे। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए कलर्स, देखिए किस तरह से फैल रहे हैं। और इसी तरह से देखिए जहाँ पर हमने कॉटन रखी वहाँ से कलर्स कितने प्यारी तरीके से रेनबोज निकल रही हैं, यहाँ पर बन रहा है, मिल्क रेनबो बोलते हैं इसको। और इसके साथ ही अभी हम जो कॉटन बड है हमारे पास, इसको भी यूज़ करेंगे। ये देखिए हमने यूज़ करने वाले हैं किस तरीके से, जहाँ जहाँ पे आपको हैवी कलर नज़र आ रहा है, बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे डिफरेंट पैटर्न। ये देखिए जहाँ पर एक बार आपने रख दिया, देखिए कलर कैसे यहाँ से फैलेगा, जिस जगह पे हम कॉटन बड को लगाएंगे वहाँ से कलर देखिए कितने सुंदर कलर निकल रहे हैं। बच्चों इन्जॉय कर रहे हो ना, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यहाँ से निकलेंगे। फूड कलर्स डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, हमने तीन यूज़ किए हैं, इसके अलावा कलर्स भी आते हैं, आप उन्हें यूज़ करिए। ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। ये हमारे पास जो दो बच्चे हैं, एक का नाम शेरिन और एक का नाम सानिका, बहुत इंटरेस्टिंग वे में, शेरिन अपना हाथों पर उठा के, यस दिस इज शेरिन, और इधर सानिका, बहुत अच्छे से इस एक्टिविटी को दोनों बच्चों ने परफॉर्म किया है। आई होप आपको आज की एक्टिविटी पसंद आई होगी, और इसे एक बार परफॉर्म जरूर करिएगा, किड्स विल डेफिनेटली इन्जॉय। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।